नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो एक एकल काव्य पाठ की श्रृंखला आरंभ की है, उसमें एक सशक्त और एक गौरवपूर्ण अध्याय आज मैं जोड़ने जा रहा हूं। और वो जिस साहित्यकार के माध्यम से, जिस कवि के माध्यम से आपको ये प्रस्तुति दी जा रही है, वो कवि हैं डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा सिर्फ कवि नहीं हैं, बल्कि एक शोध परक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति को अलग अलग पहलुओं से उजागर करने में इनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मानी जाती है। और उनका जन्म जो है इसी दिसंबर महीने का है। ये गांव किरोड़ी है, गांव जहां इनका जन्म हुआ, ये ज़िला हिसार का गांव है। और वही शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें अतिरिक्त रूप से ये जोड़ा जा सकता है कि ये हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में ही अपना इनका सम्मान रहा है। और इन्होंने शैक्षणिक योग्यता दोनों भाषाओं में प्राप्त की है, PhD। स्वाभाविक है, जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना हो तो उसके बाद शोध कार्य में विशेष रूप से पारंगत होना एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है। अब तक 2 दर्जन से भी ज़्यादा पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और हरियाणा की लोक धर्मी नाट्य परंपरा और लोक संस्कृति के क्षितिज, और सबसे बड़ी बात जो है उल्लेखनीय, वो लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें एक बहुत बड़ी देन माना जाता है अपने प्रदेश की अस्मिता के लिए। और ये वहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से ही विभागाध्यक्ष के रूप में लंबे अरसे तक सेवाएं देने के बाद अवकाश प्राप्त इन्होंने किया। इन्हें 2017 में महाकवि सूरदास साहित्य साधना सम्मान दिया गया था, और उससे पहले भी इनको अकादमी ने अन्य सम्मानों के भी योग्य समझा था। उसमें पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान और पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान भी शामिल है। तो ऐसे महान साहित्य साधक से सीधे उनकी रचनाओं के माध्यम से आप मिलिए और आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने पर आदरणीय डॉक्टर तिरखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले मैं अपनी कविता शिवजी बोला प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हरियाणा की संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया गया है। शिवजी बोला गणपत की माँ, बात सुने न मेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगर ले क्यों ला रखी देरी। हरियाणा में घूमांगे उड़ भगत देखिए मेरे, मंदिर और शिवालय में लग रहे संता के डेरे। संध्या तर्पण यज्ञ हवन कर रहे से शाम सवेरे, जब देखेगी ठाठ बाठ आए हो जाएंगे तेरे। अपने मन की खोल सुना दी आगे मर्जी तेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगर ले क्यों ला रखी देरी। उड़ गऊ चराई बंसी बजाई, रास रची गोपाल ने, मखनी खाई हू रिझाई, नंद के नटखट लाल ने, चीर बढ़ा के लाज बचाई, धन धन इसे कमाल ने। कैरू मारे पांडू तारे, कोई समझ सक्या ना चाल ने, गीता गायक बने सारखी, राखी प्रीत गनेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगर ले क्यों ला रखी देरी। उड़ सरस्वती के कंठारे पे वेद मंत्र गुंजारे, कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पे लगे धर्म के नारे, महाभारत का खंडा बाजा गुल खिल गए थे न्यारे, पाप हार गया धर्म जीत गया, गूंज उठे जयकारे। सच सच कह रहा पार्वती, मैं ना को हेरा फेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगर ले क्यों ला रखी देरी। दूध बिलोवे मन ने मोवे हरियाणा की नारी, पन घट जावे मंगल गावे मीठी बोली प्यारी, प्यार लुटावे हंस बतलावे खिलरी के सर क्यारी, छोटे बड़े की आन राखती बात समझती सारी। लाड लड़ावे लखन लावे घर की बड़ी बडेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगर ले क्यों ला रखी देरी। मर्द मुछेले छैल छबीले रण में हाथ दिखावे, बैरी की घिघी बंध जा जब कड़ुए त्योर लखावें, भारत माँ की इज्जत ने उन्हें माते बड़ी बतावें, शीश कटो सो बार चाहे ना सिर ने कदे झुकावें।
हर हर बोलें धरती तोलें, कर दें दुश्मन की डेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगले क्यों ला रखी देरी। खुशियां का बूंबा पाटे जब होली तीज मनावें, ढोल मंजीरें बजें सारंगी मिलके नाचें गावें, बात बात पे करें ठिठोली हंसें खूब हंसावें, धरती के बेटे गणे इट्ठे दिन और रात कमावें, जी सा लावें मन परचावें संग में नार कमेरी, टूम ठेकरी पैर सिंगले क्यों ला रखी देरी। मेरी अगली कविता है नारी शक्ति। भारतीय संस्कृति में नारी का सर्वोच्च स्थान रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नारी ने अपनी औकात दिखा दी। इस कविता के माध्यम से मैं नारी शक्ति को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रकृति बिन पुरुष अकेला क्योंकर खेल रचावे, धरती बिन ना चले सृष्टि वेद शास्त्र गावे, नारी नैया प्रेम की बहे बीच मझधार, चप्पू ममता त्याग के धीरज की पतवार, पत्नी पत को पालती दया धर्म को धार, अपना तन मनवार की सुखी रहे परिवार, लक्ष्मी के बिन विष्णु सुनना सुन लो बात हमारी, शिव जी ने मुट्ठी में रखे गणपत की महतारी, दिखे नारी मेरे देश की सदा रही सरताज, रही मुसीबत झेलती तजी न कुल की लाज, ब्रह्मा विष्णु महेश ने लीनी कुबुद कुमाए, भगमा बाणा धार के दीनी अलख जगाए, धर्म कर्म सब जानती अनसुईया सतीमात, दिव्य दृष्टि तय भांपगी देवों की खुराफात, कपटी साधु न्यू कहें अर्ज सुनो मारी मात, हो नंगी परसो हमें तब हम भोजन खात, पतिव्रता ने कर दिए वे तीनों रिंगट रूप, देवलोक घबरा गया घटना घटी अनूप, ब्रह्माणी पारो सहित गई कमला कुमलाय, ललनाए देखी विकल नारद पहुंचा धाय, तीनों विनती कर रही मुनिवर से कर जोड़, पति हमारे ढूंढ दो हो गई खत्म मरोड़, खबरी नारद देव ने बया किया सब हाल, पलने में तीनों पड़े जा पहुंची तत्काल, लखे रियाते रिंगटे सबकी शकल समान, चिल्ल पो तीनों कर रहे नहीं कोई पहचान, शर्मसार हो देवियां यों करने लगी गुहार, हे माता क्षमा दान दो कर दो बेड़ा पार, जल के छींटे मार कर किया देवों का उद्धार, आ अपने अपने रूप में बोले वचन संभार, प्रणिपात है पूज्य मात कर दिया माफ कसूर, सत सत है वंदन तेरा तू शक्ति से भरपूर। और मेरी अगली कविता है कड़े गई वा प्रीत। कड़े गए वह हंसी ठट्ठे कड़े गई वह रीत, कड़े गया वो मेल मुलाजा कड़े गई वा प्रीत, पीली पाट्या उठ लाडली कातक नाया करती, सिंगर डोर के बहु बोटली पन घट जाया करती, झरन झरन झरनाटा उठे जीसा लाया करती, जुणु सुर्ग उतर गया धरती पे इसी शोभा छाया करती, कड़े गए वे घूंघट गाती कड़े गए वे गीत, कड़े गया वो मेल मुला जा कड़े गई वा प्रीत, अर्थ मंझोली घोड़ी रेडू तय बरात सजाया करते, बंदी पत्र खोल बराती लाडू खाया करते, ठट्ठे ठोड़ी गीत सीठने सब ने भाया करते, पीढ़ियां तक प्यार पड़े या ये सब चाया करते, कड़े गए वे लाड कोथड़ी कड़े गए वे मीत, कड़े गया वो मेल मुलाजा कड़े गई वा प्रीत, खोड़िए की खेड़ मास्ती बुढ़ी पे जवानी छाती, लटके झटके देख उसके कामनी सब रंग में आती, बन्नो बन्ना बनके ने वह झूठ मूठ का ब्याह रचाती, जोबन के जहूरे लूटे मिलके रेलम ठेल मचाती, कड़े गए वह कंगन जुआ कड़े हार और जीत, कड़े गया वो मेल मुलाजा कड़े गई वा प्रीत, रंगचा में भर के सारे तीज त्योहार मनाया करते, नई बहू के पिंक पाठड़ी सिंधारे में जाया करते, धी ध्याणी की कोथड़ी
सामण में पहुंचाया करते, सासू जी का नाक तोड़ के सबका मन हर्षाया करते, होली का त्योहार रंगीला मिलके नाचा गाया करते, कड़े गए वह पीलर पिंजू, कड़े राबड़ी सीट, कड़े गया वो मेल मुलाजा, कड़े गई वह प्रीत। साची कहना सादा रहना, चना चबेना खाया करते, दूध दही का घाटा ना था, सेहत खूब बनाया करते, मानस ने मानस चावे था, सुख दुख की बतलाया करते, बड़े बड़िया की इज्जत थी, झुक झुक शीस निवाया करते, कड़े गए वह बोल रसीले, कड़े गई वह नीत, कड़े गया वो मेल मुलाजा, कड़े गई वह प्रीत। अगली कविता है हे ईश्वर तने कौन करी। इसमें एक शराबी की पत्नी का टुकड़ा प्रस्तुत किया गया है। चतर सुजान सजन पाणे ने मैं मलमल का तक नाई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसके पल्ले लाई। नित उठ पीली पाटी मैं नान तला पे जाया करती, छोटी बड़ी नार मिलके गीत सुरीले गाया करती, सखी सहेली कठी होके आपस में बतलाया करती, जोड़ी जोगुन जोग मिले न्यूमन के मैं चाया करती, दौड़ धूप के बाबल ने फिर कर दी मेरी सगाई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसका पल्ले लाई। पर्दे पे पतरा दिखा के दिन शादी का धरया गया, हद से ज्यादा टूट के ने सब इंतजाम कराया गया, दान देन के चक्कर में मरा पीसा पीसा हरिया गया, मारी धरती तक पड़न बैठ गई उनका भोभा भरया गया, मेरी माता टप टप आंसू गेरे बाज रही सहनाई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसके पल्ले लाई। तीर तागा देख के ने सासू जी का मन परचाया, अगली पछली कूदन लागी सबके जी में जीसा आया, सारे गांव में चर्चा हो गया, बोतल बाज पटाखा लाया, लाल परी का परणु प्यारा सुन के दिल मेरा घबराया, छोड़न की शराब कही तक कर दी मेरी पिटाई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसके पल्ले लाई। रोज लड्डू रखे खड़दू जीने खाड़ा हो गया, 24 घंटे रहे टूलता ऐसा पुआड़ा हो गया, लिहाज शर्म का खोज रहा ना कति उगाड़ा हो गया, रंज फिक्र में सूख सूख के कुंबा माड़ा हो गया, खून मेरा न्यू जले रोज जनू जलता तेल कढ़ाई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसके पल्ले लाई। नित नशे बीच गुलतान रहे घर नहीं खान ने दाने, इब जुत्ती होके ठाण लाग गया लावे रोज उलाने, आंसू पीपी दिन काटे मेरे बालक याने याने, भला क्यूकर भेजू पढ़न मदर से नंगे और उभाने, यो घर से तो नरक कड़ा मेरे नहीं समझ में आई, हे ईश्वर तने कौन करी मैं किसके पल्ले लाई।